तो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो मेरे हाथ में सिरप है, आज हम इस सिरप के बारे में बात करेंगे, इसके ब्रांड नेम के बारे में, इसके साल्ट नेम के बारे में, और इसके मेन यूजेस और इसके साइड इफेक्ट और इसके डोज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की मेन जानकारी दवाई की पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जो मेरे हाथ में सिरप है, इसका जो कंपनी ने नाम रखा है रेजीबैक्ट रेडीमैक्स 200। तो दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, हर मेडिकल पे अवेलेबल होता है दोस्तों। तो मैंने फोटो में दिया है इसमें, हर मेडिकल पे अवेलेबल। तो दोस्तों चलिए इसके कंटेंट साल्ट के बारे में बात जान लेते हैं, इसके फार्मूले के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो दिया है एजिथ्रोमाइसिन दिया है इसमें, ओरल सस्पेंशन यानी एजिथ्रोमाइसिन है खाली इसके अंदर। ये एक दवा का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार ब्रांड नेम बता देता हूँ इसका, एजीबैक्ट रेडीमैक्स 200। तो दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है मार्केट में, जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों चलिए अभी इसके बारे साल्ट के बारे में जान लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन मतलब कैसे काम करता, क्या काम करता, किस बीमारी के यूज में आता, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए ये कैसी होती है, शीशी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बच्चों के लिए होता है सिर्फ ये बच्चों की, जैसा मैं बताता हूँ आपको बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो मैं आज एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बता रहा हूँ आपको, बच्चों के लिए सिर्फ है 15 ml में। तो दोस्तों ये जो एजिथ्रोमाइसिन है, इसकी यूज बता रहा हूँ मैं मेन, यानी फायदे क्या करता है ये। दोस्तों जैसे गले में संक्रमण हो जाता है, मतलब गले में टॉन्सिल हो जाती हैं, जैसे गले में दर्द हो जाता है, क्योंकि आजकल दोस्तों कोविड में भी इसका यूज लिया जा रहा है, कोरोना वायरस में डॉक्टर देते हैं। तो दोस्तों गले में दर्द होना, कान में संक्रमण हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, फुंसी हो जाती है, कोई दाना निकल जाता है इस टाइप से, कान में दर्द, खांसी बलगम वाली, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आँख का इन्फेक्शन, जैसे नमूनिया, अलग से बता रहा हूँ, जैसे नमूनिया हो जाता है, तो नमूनिया में देती हैं, मतलब एक एंटीबायोटिक दवा लगा के उसके साथ में दे सकते हैं इसे, जैसे एमोक्साइलिन, तो ये उसमें भी देती हैं। लेकिन दोस्तों इसकी अलग बात हो रही है ना, कॉम्बिनेशन में बात नहीं होती। दोस्तों जैसे छींकें आती हैं, वैसे छींकों के साथ पानी से निकलता है, उस कंडीशन में इसे देते हैं। दोस्तों इस सिरप कुछ इस टाइप का होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, जैसे कि दस्त लगना, या आपको उबकाई आनी, या उल्टी लगनी, या पेट में दर्द होना, या अदर कोई और कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे, तो आप अपने बच्चे को इसे तुरंत देना बंद करें दोस्तों। ये दोस्तों बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिल जाता है, हर मेडिकल पे अवेलेबल होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक एंटीबायोटिक वो साल्ट फार्मूला यानी सिरप है, एंटीबायोटिक है एक। दोस्तों इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, बड़ों के लिए अलग डोज होती है और बच्चों के लिए अलग होती है। दोस्तों मैं 2 साल तक के बच्चों की डोज मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें कितना देना होता है, जैसे मैंने पेन से लिखा है 2.5 दे सकते हैं उसे, यानी 2.5 ml दे सकते हैं। अगर इससे छोटा बच्चा होता है, मतलब 1 साल का, तो उसे 2 ml, और अगर उससे कम बच्चा है तो उसे 1.5 ml यानी 1.5 ml दे सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसके हिसाब से मैं बता नहीं पाता आपको। दोस्तों ये एक दवा की कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इसकी मिक्सिंग के बारे में जान लेते हैं, ईच 5 ml क्वांटिटी। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिया है एजिथ्रोमाइसिन थायरेट IP। तो दोस्तों इसके अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन है 200 मिलीग्राम में, 200 मिलीग्राम का सिरप है दोस्तों, और इसका कलर जो है येलो में दोस्तों मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लेता दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं इसके आपको मेन यूज़ बता देता हूँ एक बार और। दोस्तों इसके जो एजिथ्रोमाइसिन के जो मेन यूज़ लिए जाते हैं, वो हैं गले के संक्रमण में देते हैं इसे, गले में जैसे संक्रमण हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है, गले में दर्द होता है, तो गले में दर्द हो जाता है इस टाइप से, मतलब उसे देते हैं, गले में टॉन्सिल हो जाती है, नंबर एक गले में टॉन्सिल, नंबर दो गले में दर्द, और 3 कान में संक्रमण या कान में फुंसी होनी या पस पड़ना होते हैं इस टाइप की बीमारी, नंबर 4 कान में दर्द होना, नंबर 5 का मतलब खांसी के साथ बलगम आना या खांसी होनी सूखी, आँख में इन्फेक्शन होना यानी संक्रमण होना। दोस्तों कोविड में भी आजकल डॉक्टर मतलब दे रहे हैं और दवाओं के साथ इसे ऐड करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं कोरोना में, तो एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसे जैसे नमूनिया में भी दे सकते हैं, लेकिन और दवाई के साथ मतलब ऐड करके, जैसे एंटीबायोटिक एमोक्साइलिन मतलब और लगा के उस चीज़ में इसे दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल, दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।